नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य है। आज आपके सामने, इस परिवार के सामने मैं कुछ विशेष बातचीत करना चाहता हूं। और आज आपसे पहली बार मैं ये कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखना। मैंने आज तक शायद कभी नहीं कहा होगा, आज पहली बार कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी और उसमें कहा था कि मेरे अकाउंट में रुपए आने लगे हैं और उनका मैं 50% गुरुकुल में दान करूंगा, 25% जो हमारे YouTube से जुड़े हुए साथी उनको दान करूंगा और 25% मैं अपने लिए रखूंगा। आज मैं वो सारा हिसाब किताब कि हर महीने कितने रुपए आए और वह कहाँ खर्च हुए हैं, वो सारी जानकारी मैंने दान किया है कि नहीं किया या मैं ऐसे ही वीडियो बना दी थी, वो आपके बीच में रखूंगा। इस परिवार में, हमारे परिवार में वो सारी बातें मैं रखना चाहता हूँ और मैं अपने अंदर की भी कुछ बातचीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं फिर निवेदन करता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं ये जो हिसाब किताब लिखकर आपके सामने बताऊंगा, ये सब मैं परमात्मा को साक्षी मानकर आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि परमात्मा इन सब चीजों का साक्षी है कि मैं सत्य बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। और वो तो न्यायकारी है, वो किए हुए कर्म का पूरा पूरा फल देता है। यदि झूठ बोलता हूं तो दंड मिलेगा और सत्य बोलता हूं तो भाई परमात्मा की विशेष कृपा होती ही है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, दान का जिक्र करता हूं। मैंने सबसे पहले जो दान हुआ वो हुआ 10,000 रुपये का गुरुकुल, अपने गुरुकुल में ही 10,000 रुपये का दान हुआ। और 5,000 रुपये का मैं कुछ ब्रह्मचारियों के लिए सामान आदि, वस्त्र आदि कुछ सामान लेकर के आया, तो 5,000 का सामान आया। फिर मैंने 12,000 रुपये फिर अपने गुरुकुल में दान किए और 5,100 रुपये फिर मैंने एक दूसरे गुरुकुल में जो स्वामी जी चलाए हुए हैं उनको दान किए। फिर मैंने 4,000 रुपये हमारे एक साथी जुड़े हुए हैं उनको दान किए। और मैंने 3,000 रुपये फिर हमारे एक YouTube से एक ब्रह्मचारी जुड़े हुए हैं, नौजवान साथी, उनको ज़रूरत पड़ी तो उनको दान किए। फिर मैंने 3,000 रुपये हमारी एक बहन जी हैं जो जुड़ी हुई हैं उनको दान किए। 5,000 रुपये मैंने हमारे एक आर्य जी हैं उनको ज़रूरत थी तो उनको 5,000 रुपये दान किए। 5,000 रुपये फिर मैंने एक दूसरे, एक और गुरुकुल है वहाँ दान किए। 5,000 रुपये फिर मैंने हमारे एक आचार्य जी हैं उन आचार्य जी को दान किए। और 11,000 रुपये फिर मैंने अपने गुरुकुल में दान किए। और अंतिम जो मैं अंतिम है फिर 8,000 रुपये मैंने फिर अपने गुरुकुल में दान किए। ये अपने गुरुकुल का दान रहा। और जो छोटा दान है मैं वो भी बता रहा हूँ यहाँ पर। और अंतिम में ये भी बताऊँगा कि हर महीने मुझे कितने रुपये आए, अब तक कितने रुपये मुझे आए हैं, वो सारी जानकारी मैं आपके बीच में रखूँगा। यहाँ पर मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी नाम बताना मुझे अच्छा सा नहीं लगता। फिर भी यदि आपको कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2100 रुपये फिर मैंने एक आचार्य जी को दान किए और 2100 रुपये फिर एक दूसरे आचार्य जी को मैंने दान किए। 2000 रुपये एक जगह और हमारा एक खर्च हुआ। 1000 रुपये मैंने एक ब्रह्मचारी को दान किए। 1100 रुपये मैंने एक आचार्य को दान किए। 2100 रुपये फिर मैंने अपने गुरुकुल में दान किए। 1100 रुपये फिर मैंने एक गुरुकुल में दान किए एक आचार्य को। 1100 रुपये फिर एक और आचार्य को गुरुकुल में दान किए। 1000 रुपये मैंने फिर हमारे YouTube से जुड़े हुए एक ब्रह्मचारी को दान किए। 555 का मैंने एक का और रिचार्ज करवाया। 2000 रुपये हमारी एक बहन जुड़ी हुई हैं उनको दान किए। और 1500 रुपये हमारे एक ब्रह्मचारी हैं यानी कि YouTube से जुड़े हुए हैं, मुझे ये भी नहीं पता कौन से राज्य के हैं, उनको भी दान किए। फिर 1100 रुपये फिर मैंने एक पोस्ट आई हुई थी वहाँ उनको दान किए। 1000 रुपये फिर एक और साथी को दान किए। 1100 रुपये फिर एक आचार्य को दान किए। और 1500 रुपये फिर एक और महाशय जी को दान किए। 1000 रुपये एक हमारे खिलाड़ी उनको दान किए। 1100 रुपये एक लड़का है उनको दान किए। 1000 रुपये दो ब्रह्मचारियों को दान दिए। 1500 रुपये फिर एक ब्रह्मचारी है एक उनको दान किए। 1100 फिर एक आचार्य को दान किए। 2100 रुपये फिर एक आचार्य को दान किए। 2100 रुपये एक आचार्य हैं एक गुरुकुल में उनको दान किए। 600 रुपये का एक रिचार्ज रहा। फिर उसके बाद 700 रुपये एक और नौजवान को दान किए। और इसमें 2100 रुपये फिर एक आचार्य को गुरुकुल में दान किए और 2100 रुपये एक और आचार्य को गुरुकुल में दान किए। 1000 रुपये एक नौजवान ब्रह्मचारी को दान किए। 500 रुपये एक छोटा ब्रह्मचारी था उनको दान किए। 1100 रुपये हमारे एक और आचार्य थे उनको दान किए। 1100 रुपये एक आचार्य हैं उनको गुरुकुल में दान किए। 1300 रुपये फिर एक गुरुकुल में वो दान किए। 1000 रुपये फिर एक नौजवान को दान किए।
और 1,000 रुपये फिर एक और नौजवान को दान किए और इसमें से 1,00,000 और 10,000 रुपये फिर जब गुरुकुल में, अपने गुरुकुल में, जब मैं गुरुकुल कालवा की बात करता हूँ वहां अपना शब्द साथ में जोड़ता हूँ, 1,10,000 रुपये फिर मैंने अपने गुरुकुल में दान किए, एक गाड़ी ली थी। आप सोचते हो 1,10,000 रुपये मैं अकाउंट में इतने रुपये नहीं जोड़ता कि मेरे अकाउंट में इतने रुपये पड़े रहें, असल तो कहाँ रुपये थे, ये मैंने कई महीने लगातार किस्त सी बांध करके ऐसे ये उनको पैसे दिए, 30,000 एक बार, 18,000 एक बार, 29,000 एक बार, 3,000 एक बार, 20,000 एक बार और 5,000 एक बार, इस तरह लगभग 1,10,000 रुपये गुरुकुल में जो गाड़ी ली उसमें ये दान रहा। 1,40,000 रुपये गाड़ी का खर्च आया जिसमें से 1,10,000 रुपये का ये अपनी तरफ से सहयोग रहा और लगभग 30,000 रुपये का आप हमारे साथियों से दान का सहयोग रहा। तो इसमें से ये तो रहा भाई खर्च और दान, ये दान जो मैंने किया है, ये किया हुआ दान है हमारा 2,32,755 रुपये दान किए हैं मैंने अपनी तरफ से। और जो हमारा आया है हर महीने का वो बताता हूँ मैं, 30 तारीख पहला महीना 2020 में हमारे रुपए आने शुरुआत हुई, पहली बार जो हमारी पेमेंट आई वो आई 6,717 रुपये, फिर जनवरी में आई थी पहली, फिर फरवरी और मार्च में नहीं आई, फिर आई अप्रैल में, 30 अप्रैल 2020 को फिर अकाउंट में रुपए आए 7,044 रुपये, फिर अप्रैल के बाद मई जून में रुपए नहीं आए, फिर जुलाई में आए, 27 जुलाई 2020 को फिर आए, वो आए 8,604 रुपये, जुलाई के बाद अगस्त में रुपए नहीं आए, फिर आए अगस्त के बाद आए सितंबर में, सितंबर में आए 24 सितंबर 2020 को आए 16,050 रुपये, सितंबर के बाद अक्टूबर, सितंबर के बाद फिर आए अक्टूबर में, 26 अक्टूबर 2020 में आए 10,421 रुपये, फिर नवंबर में आए, 24 नवंबर 2020 में फिर आए 9,849 रुपये, फिर 24 दिसंबर 2020 में फिर आए, वो आए 20,715 रुपये, दिसंबर के बाद फिर 25 जनवरी 2021 में आए 17,349 रुपये, फिर 23 फरवरी 2021 में फिर आए 34,208 रुपये, 23 मार्च 2021 में आए 29,840 रुपये लगभग, और फिर 23 अप्रैल 2021 में फिर आए लगभग 16,300 रुपये। ये मेरे जो हर महीने रुपए आए तो ये मैंने आपको बताया, और कितने रुपए आए, ये रुपए हमारे जो आए ये आए हैं 1,77,097 रुपये जो हमारे अकाउंट में आए, और जो हमने दान किए हैं, दान किए 2,32,755 रुपये, और अकाउंट में कितने आए 1,77,097 रुपये, और यानी कि जितने आए उससे तो हमने एक्स्ट्रा दान हुए, हमसे कितना दान हुआ एक्स्ट्रा 55,658 रुपये, यानी कि जो दान आया वो तो गया, जो हमारे अकाउंट में आए वो तो सारे गए गए, उससे एक्स्ट्रा भी 55,658 रुपये दान हुआ। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आए, क्योंकि मेरे हर रोज़ के लगभग कार्यक्रम रहते हैं, यज्ञ हवन के, संस्कारों के कार्यक्रम रहते हैं, तो यहाँ से ये दान के आए रुपये। मेरे अकाउंट में कोई ज़्यादा से रुपये नहीं रहते, थोड़े बहुत 5-7-8-10 हज़ार रुपये के आसपास रहते हैं, और अब भी कुछ रुपए हैं अकाउंट में तो किसी और के, कुछ किताबों के हैं, ऐसे आए हुए हैं, तो मैं इतने से रुपए अकाउंट में रखता हूँ। और आप सब ने पता है कि गुरुकुल में संख्या तो अब काफ़ी है, 80-90 के आसपास संख्या है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं ये रुपए रख करके मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की। लोग आजकल दान में रुचि नहीं रखते कि हमें ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मेरा एक मोबाइल है छोटा सा 15,000 रुपये का, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, और इसमें भी मेमोरी फुल हो जाती है, वो वीडियो आदि डिलीट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए फिर भी हम अपने संस्कार बना रहे हैं। जो व्यक्ति पैसे का लालची है और काम वासना में फंसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिन्हें कभी सुख नहीं पा सकता, तो वह जो दानी लोग हैं मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कुछ दान कर लिया करो। खैर मैंने तो आज तक कभी कहा भी नहीं कि दान करो ये करो, मैंने तो कभी ये जो मेल आती है ना भैया एडवर्टाइज कर दो हमारी, वो जो मेल आती है हम इतने रुपए दे देंगे, मेरे पास लाखों रुपए की मेल आई है कि हम आपको कीजिए हम आपको पैसे देंगे, लेकिन मैंने कभी उनकी एडवर्टाइज नहीं की है।
अपने से आप जो यूट्यूब वाले जो हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैं आप सभी से भाई यही निवेदन करना चाहता हूँ कि परमात्मा की दया कृपया से जीवन ठीक है। आज ये मैंने हिसाब किताब आज आप सबके सामने बीच में रखा है, और फिर भी आपको मैंने यहाँ नाम नहीं बताया भाई मैंने किसको दान दिए, वो मैंने अच्छा सा नहीं लगा कि ऐसे नाम बताना ठीक सा नहीं लगता जिनको दान दिए। और ये हिसाब किताब मैंने इसलिए दिया है कि कल को आप लोग ये ना कहो कि भाई उस दिन तो बड़ी 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 बातें कर रहा था, वीडियो डाली थी कि मैं इतने रुपए उनको दान करूंगा, इतने उनको दान करूंगा, और अब कुछ भी नहीं है। तो भाई बस ईश्वर कृपा है, ये छोटा सा सहयोग हम भी कर लेते हैं, क्योंकि दान लेना और देना ये दोनों एक कार्य होते हैं हमारे भाई, हम लेते भी हैं और देते भी हैं, दोनों चलता रहता है। तो ये दोनों चलता रहा, और मैं तो फिर भी कहना चाहता हूँ भाई, ये नहीं कि कोई मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा रुपए हैं या वो है, आज भी मैं तो कोई ज़रूरत थी तो कहीं इधर उधर से किए कुछ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ भाई, देखो हम तो किसी से मांगना ज़्यादा सा पसंद करते नहीं, क्यों जी? और कोई ये कहे जी मैं करना चाहता हूँ भाई, हम उससे कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी उससे क्या लेंगे? जो संपन्न लोग हैं ना, थोड़ी सी उनको शर्म करनी चाहिए भाई। अब शर्म शब्द कोई गलत कह दिया तो गलत बात है। अरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए राष्ट्र का आधार नौजवान है, जहाँ कार्य हो रहा हो तो वहाँ कुछ सहयोग भी कर देना चाहिए। तो जो भी है जैसा भी हो, कभी आओ गुरुकुल में, आप सबका स्वागत है। आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा, जिला जींद हरियाणा। फिर भी ये मेरा मैं नंबर भी बता देता हूँ, कभी आपको कोई विशेष कोई व्हाट्सएप पर कोई संपर्क करना हो, कोई भी बात हो, 7357077786 7577778 ये मेरा अपना नंबर है। तो आप सबने सुना, आप अपने विचार भी दें, आपको कैसा लगा ये, मैंने कैसे विचार हैं, कैसी बात है, तो आप अपने विचार भी इसमें रखें, और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दें। और आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ, सब कुछ निःशुल्क है आपके लिए, आपके लिए रहना सहना खाना पीना सब निःशुल्क है, सब निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। हम यथा सामर्थ्य आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा दिया जाए। तो आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, स्वागत है। आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा, जिला जींद हरियाणा वर्तमान में, और ये हरियाणा के जिला जींद में है गुरुकुल कालवा। तो आप सबका स्वागत है, धन्यवाद।